हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में धमाल मचाने के लिए एक और आईपीओ मंडे को यहाँ पे आ रही है, जो कि पूरी तरह से यहाँ पे हम लोगों को तैयार भी देखने को मिल जा रही है। पूरी तरह से मतलब धमाल मचाने के लिए ये तैयार भी हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। इस आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें, अच्छी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है, जिसको भी यहाँ पे हम लोग आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। सो इस वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिएगा एंड यहाँ पे इस आईपीओ से रिलेटेड डिटेल एनालिसिस यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखा जाए तो आईपीओ में अप्लाई करना एक रिस्क वाला काम यहाँ पे रहता ही है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग डिटेल एनालिसिस इस आईपीओ का करेंगे, सो कहीं ना कहीं जो रिस्क यहाँ पे रहेगा उसको यहाँ पे कम करने से रिलेटेड भी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ एंड पूरा ज़रूर देखें, जिससे कि आपको इस आईपीओ से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज रहे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस आईपीओ की यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे हैं उसका नाम है टारसन प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लाइफ साइंस से रिलेटेड ये कंपनी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बातें करें तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है सबसे पहली एंड अच्छी चीज़ यहाँ पर देखिए कि ये लीडिंग तौर पर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। किससे रिलेटेड, यहाँ पर देखिए सप्लायर ऑफ लाइफ साइंस प्रोडक्ट। ठीक है, तो लीडिंग देखने को मिल रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे हम लोगों को इसमें देखने को मिल जा रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। देन यहाँ पे सेकंड आप देख सकते हैं कि एक्सटेंसिव प्रोडक्ट ऑफरिंग, थर्ड लार्ज एड्रेसेबल मार्केट ऑफ लाइफ साइंस इंडस्ट्रीज, फोर्थ की बात करें तो वेल इक्विप्ड एंड ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, फिफ्थ की बातें करें तो स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, देन लास्ट यहाँ पे जो स्ट्रेंथ हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस प्रमोटर्स बैक बाई आ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, यहाँ पे हम लोगों को टीम देखने को मिल जा रही है। सो देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ यहाँ पे इसका हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे अच्छा है। खास बात जैसा कि कंपनी का जो बिजनेस है वो लाइफ साइंस से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। अभी आते हैं दोस्तों प्रमोटर्स के ऊपर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संजीव सेगल एंड रोहन सेगल, ये कंपनी के प्रमोटर्स हम लोगों को देखने को मिल जा रहे हैं। कंपनी के परफॉर्मेंस की बातें करें, कंपनी यहाँ पे कैसा काम कर रही है, क्या कंपनी यहाँ पे अच्छा कर रही है, ख़राब कर रही है, तो उसकी अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो देखिए 19, 20, 21 का हम लोगों को डाटा देखने को मिल रहा है एंड 19, 20 का जो डाटा है वो स्टैंड अलोन है एंड यहाँ पे 21 का कंसोलिडेटेड होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, स्टैंड अलोन डाटा, ठीक है, एंड या फिर कंसोलिडेटेड डाटा की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें दोस्तों, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे रिजल्ट में नहीं देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत यहाँ पे फ़र्क होता है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि बराबर भी आप लोग अगर मान के चलोगे तो भी इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले सीधे यहाँ पे हम लोग इसका प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, ताकि चीज़ें हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2019 की बातें करें तो 389, 20 में 405, 21 में 688। सो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो साल दर साल यहाँ पे हम लोगों को ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब अप ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंपनी हम लोगों को ग्रोइंग मोड में ही देखने को मिल जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। इससे एक ये भी चीज़ हम लोगों को देखने को मिल जा रही है कि कंपनी यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रांग भी हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। देन ऑब्जेक्ट इशू की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो आप देख सकते हैं कि रीपेमेंट प्री पेमेंट ऑफ ऑल ऑफ आर सर्टेन ऑफ कंपनी बोरोइंग, कर्ज से रिलेटेड यहाँ पे बातें की जा रही है। देन यहाँ पे फंडिंग अ पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट पंचल वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। देन यहाँ पे लास्ट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो कि सभी में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। आईपीओ डिटेल्स की बातें करें तो जैसा मैंने बोला कि 15 तारीख को इसकी ओपनिंग होगी एंड 16 तक 17 तक ये ओपनिंग
हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो 17 तारीख 3:30 बजे तक आप इसको यहाँ पे अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, उसके बाद ये IPO यहाँ पे बंद होते हुए हम लोगों को देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे इशू टाइप आप देख सकते हैं कि बुक बुल्ट इशू देखने को मिल रही है, फेस वैल्यू 2 के देखने को मिल रही है। IPO प्राइस की बातें करें तो 635 और 662 यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मार्केट लॉट की बातें करें दोस्तों तो 22 शेयर जो कि मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। लिस्टिंग की बातें करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि NSE BSE दोनों ही जगह ये लिस्टिंग हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। देन इशू साइज की बातें करें तो आप देखिए 1023 करोड़ से ज़्यादा का ये IPO हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसमें से अगर हम लोग बातें करें तो 150 करोड़ का फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। बाकी सभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को OFSC देखने को मिल जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इतने शेयर्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। अभी आते हैं IPO के टाइम टेबल के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 से 17 ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट। देन यहाँ पे अलॉटमेंट्स की बातें करें तो दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि जो अलॉटमेंट डेट है यहाँ पे वो 23 नवंबर को हम लोगों को देखने को मिला। रिफंड भी देख सकते हैं कि 24 नवंबर एंड जिन लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ होगा उसकी अगर हम लोग बातें करें तो उनके डीमेट अकाउंट में ये शेयर्स 25 नवंबर को यहाँ पे शो होंगे। देन यहाँ पे लिस्टिंग की बातें करें तो फाइनली आप देख सकते हैं कि 26 तारीख को इसका लिस्टिंग डेट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। सो ये हो गई IPO के टाइम टेबल से रिलेटेड बातें। अभी आते हैं यहाँ पे कुछ और फॉर्मेलिटीज़ के ऊपर, जैसे कि अगर रिटेल कैटेगरी में आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 286 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए आप लोगों को 1,89,332 रुपये यहाँ पे करने होंगे। एंड मिनिमम ऑर्डर की अगर बात करें रिटेल कैटेगरी में तो वो भी आप देख सकते हैं, 1 लॉट आपको लेना होगा, 22 शेयर्स जिसमें मिलेंगे, जिसमें आप लोगों को 14,564 रुपये यहाँ पे करना होगा। अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 50% से अधिक है, जबकि लिस्ट के बाद ये हम लोगों को कम होते हुए भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो दोस्तों ये तो हो गई यहाँ पे IPO से रिलेटेड सभी जानकारी, जो कि आप लोगों को जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग दोस्तों केवल और केवल यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए आते हैं, तो उन लोगों के लिए भी देखते हैं कि क्या यहाँ पे हम लोगों को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों अभी हम लोग सीधा यहाँ पे टार्सन प्रोडक्ट के ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर आ गए, जिसमें आप देख सकते हैं कि 13 नवंबर का यहाँ पे जो GMP हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो 190 से 200 रुपये हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है, जो कि इसके कट ऑफ प्राइस की अगर यहाँ पे हम करें तो 662 यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ से अगर आप इसकी तुलना करेंगे दोस्तों तो करीब करीब आप लोगों को जो यहाँ पे GMP देखने को मिल रहा है वो 30% का यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था कि इस IPO से रिलेटेड एक अच्छी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। तो आपको हम बता दें दोस्तों कि अगर आप लोगों ने इस IPO को यहाँ पे ट्रैक किया होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि 11 तारीख को इसका जो GMP था दोस्तों वो 150 रुपये पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो यहाँ से भी अगर देखा जाए तो करीब 50 रुपये का GMP में भी हम लोगों को तेजी देखने को मिल जा रही है, जो कि एक अच्छा संकेत यहाँ पे दे रही है। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी लोग ठीक है केवल और केवल लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो GMP हम लोगों को देखने को मिल रही है दोस्तों वो 30% का अभी ही यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। एंड उम्मीद है कि यह GMP आगे चल के और भी ऊपर जाने वाली जाते हुए हम लोगों को देखने को मिल सकती है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो भी लोग केवल लिस्टिंग गेन के लिए आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे फ़ायदा है, एंड जो भी लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इसको यहाँ पे देख रहे हैं उसको लिए भी यहाँ पे फ़ायदा है। जैसा कि आपने इस कंपनी का फाइनेंशियल देखा, जिसमें प्रॉफिट जो है हम लोगों को लगातार बढ़ते हुए ही देखने को मिल जा रही है। सो आराम से दोस्तों आप लोग यहाँ पे कहने का ये है कि सिक्के के दोनों ही पहलू आपकी ही ओर है, चाहे आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए देखिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, वो आपका नज़रिए के ऊपर यहाँ पे डिपेंड होगा। दोनों ही तौर पे अगर देखा जाए तो प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ पे होने ही वाला है। सो किस तरह का प्रॉफिट आप लोग यहाँ पे लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। सो दोस्तों देखा जाए तो इस IPO को यहाँ पे आप लोग आराम से अप्लाई करके चल सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। सो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो इस IPO से रिलेटेड जितनी भी जानकारी मुझे आप लोगों को देनी थी सो मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।